स्टूडेंट्स, तो आज हम करेंगे क्लास 6 साइंस का चैप्टर 5 जिसका नाम है सेपरेशन ऑफ सब्सटेंस। इसमें हम पढ़ेंगे हैंड पिकिंग के बारे में। हैंड पिकिंग क्या होता है? द मेथड ऑफ हैंड पिकिंग इज कॉमनली यूज एट होम टू सेपरेट डस्ट पार्टिकल और पेबल्स फ्रॉम राइस पल्स एक्स्ट्रा। तो आपने घर पे देखा होगा कि जो चावल होते हैं, दाल होते हैं, जो गेहूँ होते हैं, उसको आप उसमें जो छोटे छोटे कंकड़ पत्थर होते हैं उसको आप हैंड से बाहर निकालते हैं ना, उसको अपन क्या कहते हैं, हैंड पिकिंग, है ना। तो अब अपन बात करेंगे सीविंग की। सीविंग क्या होता है? सीविंग इज डन टू सेपरेट सॉलिड कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ ए मिक्सचर विच डिफर इन देयर साइज। इन दिस मेथड ए सीव हैविंग होल्स ऑफ सूटेबल साइज इज यूज्ड। आपने जो छोटी वाली छलनी होती है ना, उसको आपने देखी होगी, जब आप सांप अगर उसमें आप किसी भी चीज का आटा छानते हो तो जो साफ आटा होता है वो क्या नीचे आ जाता है, और जो खराब चीजें होती है उसमें जो खराब आटा है वो क्या ऊपर आ जाता है। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं सीविंग। अब हम बात करेंगे फिल्ट्रेशन के बारे में। फिल्ट्रेशन क्या होता है? द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग, सेपरेटिंग मतलब अलग होना, द इनसॉल्युबल एंड सस्पेंडेड सॉलिड ऑफ वेरियस साइज फ्रॉम ए लिक्विड यूजिंग ए फिल्टर इज कॉल्ड फिल्ट्रेशन। जैसे आपने देखा होगा कि अपन है ना पानी को छान के पीते हैं, तो छान के पीने को ही अपन क्या बोलते हैं, फिल्ट्रेशन, है ना। अब हम बात करेंगे विनोइंग की। विनोइंग इज यूज टू सेपरेट हैवियर मतलब भारी एंड लाइट कंपोनेंट ऑफ मिक्सर बाई विंड और बाई ब्लोइंग एयर। दिस मेथड इज यूज बाई फार्मर टू सेपरेट द हस्क फ्रॉम ग्रेन्स। तो आपने गाँव में देखा होगा कि कई कई जो लेडीजें होती हैं वो है ना किसी भी बर्तन में ग्रेन्स जो अपना चावल होते हैं इसमें है ना हवा की तरफ अपना मुँह करके उसको ऊपर से गिराती है, तो जो साफ साफ गेहूँ वो राइस से ग्रेन्स होते हैं वो तो साफ साफ नीचे आ जाती है, और जो उसका खराब हस्क होता है वो उड़ जाता है। तो आज के वीडियो में हम इतने ही करेंगे और कोई करो।